कैमरे के सामने आपको इस समय क्लॉक टावर नजर आ रहा है, दुनिया इसे लाल चौक के नाम से जानती है, लेकिन सिर्फ क्लॉक टावर लाल चौक नहीं है, लाल चौक का एक हिस्सा है ये क्लॉक टावर। अक्सर बात होती है कि यहाँ झंडा फहराया जाएगा, चाहे मुरली मनोहर जोशी और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1991 में आकर के यहाँ झंडा फहराना हो, या फिर अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्त होगी, उसका जो समापन होगा उसकी चर्चा चल रही है कि लाल चौक पे राहुल गांधी झंडा फहराएंगे। तो जब लाल चौक का नाम लिया जाता है तो मैं, जो लोग श्रीनगर नहीं आए हैं या जो मैं भी जब तक नहीं आया था तो ऐसा लगता था कि यही लाल चौक है और जहन में इसी की तस्वीर सामने आती है, लेकिन कई जगहों पर खबरें चली हैं कि यहाँ लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, लेकिन ये नहीं है कि इस क्लॉक टावर पर झंडा फहराएंगे, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। और लाल चौक इसलिए वो ये कहा इसलिए कहा जा रहा है कि लाल चौक पर झंडा फहराएं क्योंकि लाल चौक इस पूरे इलाके को कहते हैं। ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है आसपास का, फिलहाल आज 26 जनवरी की तारीख है, सिक्योरिटी चेक्स की वजह से सारी दुकानें यहाँ बंद हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, इस वजह से थोड़ा सन्नाटा है। तो वो जो क्लॉक टावर नज़र आ रहा था उससे थोड़ी ही दूर पर कांग्रेस का दफ्तर है, वो भी मैं जैसे आप बताया कि वो लाल चौक के एरिया में आता है, तो उस दफ्तर में सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। मैं पहले यहाँ आया तो मैंने पता किया कि क्या राहुल गांधी यहाँ झंडा फहराने वाले हैं, तो पता लगा कि नहीं, यहाँ नहीं फहराने वाले हैं। यहाँ पे आज 26 जनवरी के दिन पे कुछ कार्यक्रम हुआ, बीजेपी के नेता आए थे, उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन कांग्रेस से जब बात की तो पता लगा, कांग्रेस के नेताओं से पता लगा कि वो झंडा उस क्लॉक टावर से करीब 100 मीटर की दूरी है, ये भी लाल चौक का ही इलाका है, वहाँ पर वो झंडा फहराएंगे और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हम लोग अभी पैदल पैदल चल रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तब तक जो है कश्मीर में है तो हम लोग थोड़ा सा उसको आसपास की तस्वीरें भी देखते चलिए। जैसे ये बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, अभी यहाँ पे CRPF की 132वीं बटालियन की तैनाती है, उस बटालियन ने पूरा सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है। सामने आपको अभी धुंध का मौसम है, सामने आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा और कैमरे में पता नहीं कितना विजुअल होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य का जो बनवाया मंदिर है वो मंदिर उसी पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। इधर साइड एक पहाड़ और मुझे दिख रहा है, पता नहीं, फिर मैं कहता हूँ कैमरे से नहीं दिखेगा क्योंकि वो धुंध है, वो पूरे बर्फ़ से लदा हुआ है, सफ़ेद चोटियाँ साफ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लेदर का भी काफ़ी काम होता है, जैसे देखिए लेदर टच फुटवियर है, तो ये दुकानें भी हैं। अभी उस एरिया में दुकानें नहीं खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा और आगे आते हैं तो इधर मार्केट है छोटी सी, ये मार्केट के अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, वो दुकानें खुल रही हैं। दुकानें जो बंद होती हैं वो 26 जनवरी के दिन वो 12 से 1 बजे तक, क्योंकि जो कार्यक्रम होता है शेर कश्मीर स्टेडियम में सरकार, जहाँ पर LG झंडा फहराते हैं, तब तक सब कुछ बंद रहता है क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है और सब कुछ ध्यान देना पड़ता है, तो गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती है, इस वजह से दुकानदार अपनी दुकान तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अब जैसे दुकानें खुलने लग गई हैं, जैसे ये दुकान एक लेदर हाउस है ये खुल गई है, ये कुछ रेस्टोरेंट है वो भी खुल गए हैं, तो अब जब ये मैं इस इलाके में चल रहा हूँ तो ये सामान्य सी जगह है, यहाँ पर ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है और हम आराम से चलते हुए जा रहे हैं। अभी वो मैंने जैसे बताया कि इस क्लॉक टावर से 100 मीटर दूरी पे ये दुकान, वो ऑफिस है कांग्रेस का, ये चाट पकौड़ी की दुकानें हैं। सब खैरियत है, सब अच्छा चल रहा है, कैसे पकौड़ी खिला रहे हैं आप? बोला यार, इन्होंने कुछ कश्मीरी में बोला। कितने का है ये? नहीं, 100 ग्राम 50 ग्राम कितने का देते हैं? 70 रुपये पाव। तो दुकान ठीक चल रही है सब? हाँ चल रहा है, आज तो कुछ काम ही नहीं है, तो आया था आज तो सब ज़्यादातर बंद था ना, आज तो उस सिक्योरिटी की वजह से। और 26 जनवरी के वजह से बाकी दिन कैसा रहता है? बाकी कल कैसा था? कल तो ठीक था, और कल भी खुल जाएंगी? कल खुल जाएंगी, हाँ कल खुल जाएंगे, कल मार्केट खुला होगा। तो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर कहाँ पे है? ये सामने ना उधर, हाँ ये पुलिस बिट करते हैं ना, हाँ। पुलिस बिट के थोड़ा सा आगे कांग्रेस के पास, हाँ वो बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना उधर, हाँ। वही है। अच्छा, तो ये भी लाल चौक का इलाका ही बताएगा? हाँ ये लाल चौक का इलाका पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। तो
इतने दुकानदार हैं, आप देखिए थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचाते भी हैं लोग। चलते हैं हम लोग उधर, दिखाते हैं कि कहाँ पे है कांग्रेस का दफ्तर। ये प्रताप पार्क है और इसी के सामने अभी चंद फरलांग की दूरी पे है। आ जाओ मोहन। तो फिर हम वहाँ से करीब क्लॉक टावर से 100 मीटर चलते चलते आ गए आगे, और इधर मोहन अगर दिखाएं तो उधर से बहुत सारी बड़ी सी मार्केट है, इसमें बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और उसके ठीक सामने जो है ये हेड ऑफिस जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश निकल गया क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो हो सकता है कई बार ऐसे। तो इसके अंदर तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है श्रीनगर में, यहाँ पे सामने आपको राहुल गांधी की फ़ोटो नज़र आएगी, और यही वो जगह है जो सारी तैयारी चल रही है जहाँ पे राहुल गांधी को झंडा फहराना है। ये लाल चौक का इलाके में इनके इनका काफ़ी पुराना दफ्तर है, और ये एक आप देखेंगे तो एक बड़ा पोल लगाया गया है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 75 फीट बताई जा रही है। 75 फीट की ऊंचाई पे राहुल गांधी आएंगे और यहाँ पे झंडा फहराएंगे। चूँकि आनन फानन में ये सारी तैयारियाँ जल्दी जल्दी हो रही हैं, इसको कल ही इसको लगाया गया, यहाँ लाया गया है इस पोल को, मतलब जो मुझे पता चला सोर्सेस के कि दिल्ली से लाया गया है, और यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। तो कांग्रेस के लोगों का दावा है कि जो सबसे ऊंचा झंडा होगा कश्मीर में वो इस 75 फीट की ऊंचाई पे लहराया जाएगा, और वो साल के 365 दिन लहराता रहेगा। क्योंकि जब बात होती है क्लॉक टावर की और पूछा जाता है कि वहाँ क्यों नहीं झंडा फहरा रहे हैं, तो जो कांग्रेस की तरफ से दलील दी जाती है वो ये कि वो एक आरएसएस की तरह से गढ़ा गया आरएसएस की तरफ से गढ़ा गया सिंबल है, और वहाँ पे झंडा फहराना कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं रहा है कि वहाँ झंडा फहराया जाए, या उसका कुछ ऐसा संवैधानिक महत्व तो नहीं है कि वहाँ झंडा फहराया जाए, या राजनीतिक महत्व तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसको एक सिंबल के तौर पर स्थापित तो कर ही दिया गया कि वहाँ झंडा फहराया जाए, लेकिन उसके जगह पे राहुल गांधी यहाँ पे झंडा फहराएंगे। और उसके लिए ये पोल अभी नया नया लगाया गया, अभी भी देखिए आप कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कब से आप लोग लगा रहे हैं भैया? हाँ 5 जनवरी से बना है। अच्छा। और लगाते लगाते इसको आज हो गया हमारे को 15 दिन हो गए सर, समथिंग 15 दिन हो गए इसको लगा। हाँ जी, ये बनने में सर टाइम लगता है ना, ये पोल बनने में, पोल बनने में टाइम लगता है सर। ये अलग अलग पार्ट में आया था, अलग अलग पार्ट में दिल्ली से आया था, कल से प्रदेश की प्लेट लगी हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पिंटू नाम है सर। पिंटू जी, तो आप ये देख रहे हो इसका सारा काम, ये मशीन क्या लगाई गई है सर? ये इसकी मशीन है सर अप डाउन करने के लिए। अच्छा। और ये लाइटें भी इसमें लाइटें लगाई? हाँ जी, लाइटें लगाई गई हैं सर उसको रोशनी में रखने के लिए, फ्लैग को, कपड़े को। अच्छा, तो इसकी रोशनी वहाँ तक जाएगी? जी हाँ जी, हाँ जी सर, 350 वाट की लाइट है सर। अच्छा, रात में पूरे एकदम, और ऊपर तक एकदम वहाँ पे भी लाइटें कुछ लगी हुई हैं? एक एविएशन लाइट लगी है सर ऊपर। अच्छा, एविएशन अगर हाइट पे? हाँ जी, हाँ जी, एविएशन लाइट लगी सर। अच्छा, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा बनके? सर ये परसों तक, परसों नाइट तक कंप्लीट हो जाएगा सर। परसों नाइट, तो 30 तारीख को जो समापन होगा वो यहीं? हाँ बिल्कुल, यहीं पर होगा सर। अच्छा, तो इसको लगाने में कितना मेहनत लगी आप लोगों को, क्या कितना गड्ढा उड्ढा खोदना पड़ा? सर ये कम से कम 10x10 का ऐसे गड्ढा हुआ था, हाइट में कम से कम 7 फुट हुआ है सर। 7 फुट, बहुत मजबूती से काम हुआ सर इसका। अच्छा, मजबूती से। तो राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर में यहाँ पर लाल चौक में झंडा फहराएंगे। इससे पहले जो इनके पर नाना रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री ग्रैंड ग्रैंडफादर राहुल गांधी के जवाहरलाल नेहरू, वो लाल चौक पे 1947 में आकर झंडा फहरा चुके हैं। वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, आपको भी हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद अब राहुल गांधी का ये कार्यक्रम, ये पुख्ता जगह यही है जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। बाकी हम कश्मीर आए हैं तो हम भारत जोड़ो यात्रा भी कवर करेंगे, चूँकि हमारा पहले से वादा है, ललन टॉप का वादा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा की बारीकी से दिखाएंगे, और कश्मीर में जब समापन होना है तो एक अलग यहाँ कलर मिलेगा। तो उसकी कवरेज के लिए मेरी यानी अभिनव पांडे और मोहन की टीम यहाँ पर कश्मीर में है, और आगे हम आपको और सारे वीडियो दिखाते रहेंगे और सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ललन टॉप देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।